नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्येंद्र.com। मैं हूं आपके साथ पवन उप्रेती। सत्येंद्र.com में आज हम बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी लगातार क्यों छोड़ते जा रहे हैं। आज जो ताजा मामला है वो उर्मिला मातोंडकर का है। फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने 2019 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले पार्टी का दामन थामा, चुनाव भी लड़ा मुंबई में और वो चुनाव हार गई। लेकिन आज जो उन्होंने इस्तीफे में अपने कारण बताए हैं पार्टी छोड़ने के पीछे, उन्होंने कहा है कि वो गुटबाजी से परेशान थी, उनका एक लेटर था जिसको सार्वजनिक कर दिया गया, इस तरह की बातें की। लेकिन इस सब के बाद भी सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस अपने नेताओं को पार्टी में रखने में कामयाब नहीं हो पा रही है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि पार्टी के बहुत जो सीनियर नेता हैं वो कुछ ना कुछ कारण बताते हैं और उसके बाद पार्टी छोड़ देते हैं। एक ओर जहां कांग्रेस को चुनाव में करारी शिकस्त मिल रही है तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी नेता लगातार पार्टी से किनारा कर रहे हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ था लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान और चुनाव में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद उसे कई राज्यों में भी शिकस्त मिली थी। सबसे पहले मार्च 2014 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदंबिका पाल ने पार्टी छोड़ी थी और वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। पाल को बीजेपी ने टिकट दिया था और वो सांसद भी बने थे। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका तब लगा था जब पार्टी के दिग्गज नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने पार्टी से नाता तोड़ लिया था। चौधरी बीरेंद्र सिंह को बाद में मोदी सरकार में मंत्री भी बनाया गया। चौधरी बीरेंद्र सिंह के बाद वरिष्ठ नेता जयंती नटराजन ने भी पार्टी की कार्यप्रणाली से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया था। हालात ये हैं कि कभी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े वफादार नेता एक एक कर पार्टी से मुंह मोड़ रहे हैं। दिल्ली में 2015 के विधानसभा चुनाव से एएन पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा दलित चेहरा रही कृष्णा तीरथ ने कांग्रेस छोड़ दी थी। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गुरुदास कामत, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने भी मुश्किल घड़ी में पार्टी का दामन छोड़ दिया था। 2016 में उत्तराखंड में कांग्रेस में बगावत हुई थी और कई विधायकों ने पार्टी छोड़ दी थी। इसके बाद बात करते हैं 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने कांग्रेस छोड़ दी थी। उसके बाद रीता बहुगुणा जोशी के जो भाई थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, उन्होंने पार्टी छोड़ी। और लोकसभा चुनाव से पहले करारा झटका पार्टी को तब लगा था जब सोनिया गांधी के करीबी टॉम वडक्कन पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद हरियाणा में पूर्व सांसद अरविंद शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए। हरियाणा के ही एक दिग्गज नेता अवतार सिंह भड़ाना ने भी पार्टी छोड़ दी थी। आपको बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र और गोवा में जो विधानसभा में विपक्ष के नेता थे उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया था। तब ये सवाल उठा था कि आखिर पार्टी के में जो विपक्ष के नेता जैसे अहम पदों पर लोग हैं वो भी पार्टी को क्यों छोड़ रहे हैं। इसके अलावा नेताओं के पार्टी छोड़ना तो एक बात है ही, बात यह भी है कि कई राज्यों में जहां पार्टी की सरकार है और जहां सरकार नहीं है वहां भी पार्टी गुटबाजी से जूझ रही है। कई जो राज्यों के छत्रप हैं वो पार्टी आलाकमान को आंख दिखा रहे हैं। आप पंजाब में देखिए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू की जो लड़ाई है, सियासी लड़ाई, उसको लेकर खबरें आती हैं। राजस्थान में गहलोत और पायलट खेमे को लेकर खबरें आती हैं। दिल्ली में भी पार्टी नेताओं में गुटबाजी बहुत ज़्यादा है, महाराष्ट्र में गुटबाजी है, उत्तराखंड से गुटबाजी की खबरें आती हैं। तो इस तरह की जो राजस्थान हरियाणा को लेकर जो बहुत ज़्यादा गुटबाजी है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और सिंधिया गुट और दिग्विजय सिंह गुट, इनके बीच में से गुटबाजी की खबरें आती हैं। तो जब गुटबाजी पार्टी में बहुत ज़्यादा है, लोकसभा चुनाव में 2019 में भी पार्टी को करारी हार मिली है, ऐसे में पार्टी आलाकमान को इस बात पर जरूर चिंतन करना चाहिए कि आखिर पार्टी के नेता पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल एक और है, यहाँ सवाल ये भी है कि जब तक पार्टी सत्ता में हो, जब तक पार्टी सत्ता में थी तब तक आप पार्टी में थे और जब पार्टी सत्ता से चली गई तो आपने पार्टी छोड़ दी। तो क्या राजनीति में ताकत और सत्ता ही स्थाई है? क्या नेता सिर्फ ताकत के लिए और सत्ता के लिए किसी पार्टी में बने रहते हैं, जैसे ही वो पार्टी सत्ता से जाती है वो पार्टी छोड़ देते हैं? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो देश के लोग अक्सर पूछते हैं जब भी कोई नेता सत्ताधारी दल में शामिल होता है अपनी मूल पार्टी को छोड़कर। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।